नमस्कार, मैं हूं राजू वर्मा, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। डाल देख नजर आज की हेडलाइंस पे। कुमारी में मिट्टी का टीला ढहने से चार महिला हुई घायल, पीली मिट्टी खोदने के दौरान हुआ हादसा, मध्य प्रदेश के रूड़ीजा गांव की घटना। झालावाड़ पुलिस ने मादक पदार्थ की विरुद्ध की कार्रवाई, एक युवक को किया गिरफ्तार, 2 किलो 500 ग्राम अफीम की बरामद। रावी मंडी रणथंभौर से मुकुंदरा अभ्यारण्य में लाए बाघिन लाइटिंग T83 को, अभ्यारण्य में बाघों की संख्या हुई 4। पगड़िया पानी भरने के दौरान कुएं में गिरने से महिला की हुई मौत, पगड़िया थाना क्षेत्र के सेमड़ी गांव की घटना। रावी मंडी उच्च प्राथमिक विद्यालय में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, फर्नीचर जलकर हुआ खाक। पिछौर नवरात्रा के चलते हरिसिद्धि माता का लगा मेला, हजारों की संख्या में श्रद्धालु कर रहे माता के दर्शन। देहरादून में निरंकारी संत समागम का हुआ आयोजन, दूर दराज से आए संतों ने किए अपने विचार प्रकट। अब खबरें विस्तार से। भारी मंडी मध्य प्रदेश के सुवासा थाना क्षेत्र के रूड़ीजा गांव में पीली मिट्टी खोदते समय मिट्टी का टीला ढहने से चार महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें उपचार के लिए भवानी मंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां एक महिला को प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ रेफर कर दिया। घायल महिला के मामा नारायण सिंह ने बताया कि रूड़ीजा गांव में एक खेत पर गांव की ही वृद्धिबाई, लीलाबाई, कृष्णीबाई व मंजू पीली मिट्टी खोद रही थी। इसी दौरान अचानक मिट्टी का टीला ढह गया, जिसमें चारों महिलाएं टीले के नीचे दब गई। ग्रामीणों ने महिलाओं को गड्ढे से बाहर निकालकर भवानी मंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर चारों महिलाओं में से 3 को उपचार के लिए भर्ती कर लिया गया, वहीं वृद्धिबाई को झालावाड़ रेफर कर दिया गया। झालावाड़ जिले के अकलेरा भालता थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 स्थित सागिड़िया से पुलिस ने शुक्रवार देर रात एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उससे अफीम बरामद की। उल्लेखनीय है कि अवैध कार्य एवं मादक पदार्थ की धरपकड़ के लिए चलाए गए विशेष अभियान के तहत पदाधिकारी अकलेरा जसवीर मीणा ने बताया कि उनके निकटतम सुपरविजन के भालता थानाधिकारी सत्यनारायण मालव अपनी टीम के साथ शुक्रवार शाम को भालता थाने से कांस्टेबल हरिराम, विकास कुमार और राजेंद्र कुमार के साथ अवैध कार्य व मादक पदार्थ की धरपकड़ के लिए रवाना हुए। असलपुर से थानाधिकारी अपने निजी वाहन से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 से सरडाई की ओर जा रहे थे कि सागड़िया के वहां निजी बस से एक युवक नीचे उतरता दिखाई दिया। युवक गांव की ओर न जाकर नाली की ओर जाने लगा। नाली की ओर जाने में पुलिस को उस पर संदेह हुआ और उन्होंने टार्च से युवक का पीछा कर नाले के पास अफीम तस्कर को धर दबोचा, जिसके पास से काले रंग का थैला मिला, जिसमें से 2 किलो 250 ग्राम अफीम बरामद हुई, जिसकी अनुमानित कीमत 2,25,000 रुपए है बताई जा रही है। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी देवीलाल तंवर पुत्र कमललाल तंवर भालता थाना क्षेत्र के नया खेड़ा गांव का मूल निवासी है। आगे की कार्रवाई इसनावर थानाधिकारी मुंशीराम द्वारा की जा रही है। अगलेरा से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। भारी मंडी कोटा सवाई माधोपुर के रणथंभौर से आज एक बार फिर एक टाइगर कोटा के मुकुंदरा टाइगर हिल्स में शिफ्ट किया गया। ये दूसरा मौका है जब रणथंभौर से मुकुंदरा टाइगर शिफ्ट किया गया है। पूर्व में भी एक टाइगर मुकुंदरा भेजा जा चुका है। एनटीसीए से परमिशन मिलने साथ ही रणथंभौर वन प्रशासन द्वारा टाइगर शिफ्टिंग को लेकर काफी दिनों से तैयारियां की जा रही थी और वन प्रशासन ने आज रणथंभौर की प्रसिद्ध बाघिन लाइटिंग के नाम से मशहूर T83 को ट्रिपलाइज कर लिया और सड़क मार्ग से मुकुंदरा पहुंचाया गया, जहां उसे मुकुंदरा में बने इनक्लोजर में सही सलामत छोड़ दिया गया। लाइटिंग के नाम से प्रसिद्ध बाघिन रणथंभौर के जोन नवंबर 3 के अमर घाटी वन क्षेत्र में विचरण करती थी। वन प्रशासन द्वारा लाइटिंग शिफ्टिंग का कार्य बेहद गुपचुप तरीके से किया गया। लाइटिंग शिफ्टिंग को लेकर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। वन प्रशासन द्वारा टाइगर चिन्हित करने के बाद आज अल सुबह ही वन विभाग की ट्रिपलाइज टीम रणथंभौर के जंगलों में पहुंची और टाइगर T83 को ट्रिपलाइज किया गया। चिकित्सीय जांच के बाद टाइगर T83 को वन विभाग की टीम सड़क मार्ग से कुंदरा लेकर पहुंची, जहां से सुरक्षित तरीके से इनक्लोजर में छोड़ दिया गया। रणथंभौर के बाघों से आज जहां सरिस्का आबाद है, वहीं अब मुकुंदरा में भी बाघों की धार सुनाई देगी। रावी मंडी से नवीन पुरोहित की रिपोर्ट।
रांगलुंडी के नया गांव में शुक्रवार रात को शॉर्ट सर्किट से उच्च माध्यमिक विद्यालय में आग लगने से वहां पड़ा फर्नीचर व अन्य सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग की गर्मी से कमरों की छतों की पट्टियां टूटकर गिर गई। गांव निवासी कृपाल सिंह ने बताया कि रात को करीब 2 बजे स्कूल के समीप मंदिर पर नवरात्रि में चल रहे अखंड रामायण पाठ के लिए लोग एकत्रित थे, तभी उन्हें धमाके की आवाज सुनाई दी। तब देखा तो स्कूल की बिल्डिंग से धुआं उठ रहा था। गांव वालों ने जतन कर आग पर काबू पाया। कमरे में लगी आग का बाहर पता नहीं चल पाया। जब आग बढ़ी तो उसकी तपन से कमरे की पट्टियां टूट गई व अन्य कमरों की पट्टियां भी तड़क गई। रावण मंडी से नवीन पुरोहित की रिपोर्ट। पिछोर में प्राचीन सिद्धि माता मंदिर पर एक वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हर सिद्धि माता के दर्शन किए। बच्चों द्वारा मेले का आनंद लिया। पिछोर क्षेत्र से लगे 30-40 गांव के ग्रामीणों द्वारा मेले में हुई दंगल प्रतियोगिताओं का भी आनंद लिया। हर सिद्धि माता के दरबार में दर्जन जवारे चढ़ाए गए। लोगों का मानना है कि जिन श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है वह माता रानी के दरबार में जवारे चढ़ाते हैं। इस मौके पर थाना प्रभारी राकेश शर्मा, निरीक्षक पप्पू यादव एवं नगर परिषद पिछोर के CMO पूर्व CMO रामेश्वर दयाल यादव, राजकुमार यादव, हरि सिंह कुशवाहा, मनोज शर्मा, नवीन श्रीवास्तव इत्यादि लोग उपस्थित थे। ग्वालियर से हेमंत पंडा की रिपोर्ट। देहरादून जिला के तेलपुरा में आज निरंकारी संत समागम का आयोजन किया गया, जिसमें समागम के मसूरी जोनल इंचार्ज पूज्य हर भजन सिंह ने शिरकत की। संत निरंकारी मंडल ब्रांच सिलागुई द्वारा सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी के तत्वाधान में विशाल निरंकारी संत समागम का आयोजन किया गया, जिसमें दूरदराज से संत महात्माओं ने अपने अपने विचारों को प्रकट किया तथा समागम में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर संत निरंकारी मंडल ब्रांच सिलागुई के मुखी दीवान सिंह कार्की का मुख्य सहयोग देखने को मिला। इस मौके पर पूज्य हरभजन सिंह ने कहा, सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी के बताए मार्ग पर चलने की बात कही। इस मौके पर मीडिया प्रभारी भागवत ने कहा कि हमें भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए, साथ ही मानव जीवन से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपना स्थान ग्रहण किया। समागम के समापन के पश्चात सभी को प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर राजेश कुमार, अमित, राहुल थापा, प्रेम भागवत, रेणु नेगी, दीपक नेगी, बसंती देवी, दीपमाला, विनोद कुमार, लवली आदि भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। देहरादून से मनोज कुमार की रिपोर्ट। ये सतगुरु की कृपा है, बजरी है, सत्संगत पहले उसके दर्शन कर, ये की पायोरी मैंने राम रतन पायोरी मैंने बस सत्संगत ये मीरा ने पाया। प्यार से कहना, बड़े प्यार से कहना, सतगुरु माता सुदीक्षा जी की जय। सत्संग जैसे आज समागम का आयोजन किया गया है, इस उपलक्ष्य में आप सभी साख संगतों को क्या रुझान देना चाहेंगे, किस तरह समझाना चाहेंगे? संतकारी मिशन कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये आध्यात्मिक विचारधारा है। हमारे सतगुरु माता सुदीक्षा जी हैं और पूरे उत्तराखंड के अंदर हर गांव गांव में सत्संग होता है और सत्संग में हमारा एक स्लोगन है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। भक्ति सारा संसार कर रहा है, लेकिन सतगुरु की कृपा से हम भी भक्ति करते हैं, लेकिन हम पहले इसको जाना है। जैसे कहा है प्रभु की प्राप्ति मानव जीवन का लक्ष्य है, तो इसको आप क्या कहेंगे?
तत्तुल्य तो मानव जीवन का लक्ष्य प्रभु प्राप्ति है, ये सब सेकेंडरी है। पैदा होते ही हम लोग माया में लग जाते हैं, लेकिन मुख्य ध्येय हमारा प्रभु की प्राप्ति है और हम सब ने प्रभु की प्राप्ति की है। मैं आप सभी संगतों को, साथ संगतों को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह चलना है अपनी युवा पीढ़ी को भी? निरंकारी संत समागम दिलों को दिल से जोड़ने वाला होता है। निरंकारी संत समागम एक मानवीय गुणों से सजाने वाला ये समागम होता है, जिस प्रभु परमपिता परमात्मा को हर इंसान जगह जगह ढूंढ रहा है, ऐसे परमात्मा का दर्शन करा करके जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, नौजवानों के लिए। आज का युवा जिसकी दिशा और दशा दोनों बदल चुकी है, जैसे नेक्स्ट प्रोग्राम रखा गया है टीरी में, रखा गया है मसूरी में, किसी केस में, तो इसके उसमें क्या क्या प्रोग्राम किस तरह सेट रखें? निरंकारी समागम कंटिन्यू 21 तारीख को ऋषिकेश में, 23 तारीख को पौड़ी गढ़वाल में, और उसके बाद जोशीमठ, बद्रीनाथ, घनसाली, फिर गंगोत्री और उत्तरकाशी और चमियाला, और फिर उसके बाद एक NYS निरंकारी यूथ सिंपोजियम, जहां पर नौजवानों को एक जो आज खेल के द्वारा भी और जो यूथ सिंपोजियम है कि नौजवानों को फिर गुरु ने बुलाया है, सोई शक्ति को फिर आप जगा। झलाट जिले के बड़ा क्षेत्र के सेमली निवासी दुर्गेश पत्नी कुशाल भाई ननद रानू स्वयं के खेत पर अच्छा काट रही थी और प्यास लगने पर कुशाल भाई ने कहा कि मैं कुएं से पानी भर लाती हूँ। ननद काम में लगी रही, कुछ देर बाद नहीं रोटने पर कुएं पर जाकर देखा, वह कुएं के अंदर गिरी हुई थी। उसके चिल्लाने पर पास ही काम कर रहे लोग दौड़कर आए और उसको कुएं से निकाला, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पगारिया पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, वहां से पोस्टमार्टम हेतु डग चिकित्सालय लाया गया। इस दौरान पचपार तहसीलदार बालचंद मीणा, रीडर शरीफ खान साथ थे। पोस्टमार्टम के बाद लाश परिजनों को सौंप दी, पुलिस ने मृग गायन कर जांच प्रारंभ की। खबरों में फिलहाल आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रही खबर 24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।